हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि इस पैंडेमिक सिचुएशंस के बाद यानी कोरोना आने के बाद गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी एम्प्लॉयर हैं उसके पास जो लोग भी काम करते हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस कंपल्सरी है। यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, आपके पास अपना कोई स्टाफ रखते हैं तो उसके लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराना जरूरी है। यानी पोस्ट लॉकडाउन एम्प्लॉयर मस्ट मैंडेटरी प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस टू एम्प्लॉयज, ये गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। और ये नोटिफिकेशन निकाला है आपको अप्रैल में, और ये अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था 15 अप्रैल को कि लॉकडाउन के बाद अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपको इसमें मेडिकल इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय को देना जरूरी है। बहुत सारी कंपनीज मेडिकल इंश्योरेंस देती भी हैं और बहुत सारे कंपनीज के पास ईएसआई भी होता है। सो ईएसआई भी सभी लोगों के पास नहीं होता है। जिसकी सैलरी अगर आप देखें 21,000 से ऊपर होता है उनके पास ईएसआई का ऑप्शन नहीं होता है। और कुछ कंपनीज ऐसे कहती है कि भाई आप अपना मेडिकल ले लो और उसमें से आप पैसा डिडक्ट करवा लो। कुछ कंपनीज उनका मेडिकल कर देती है और कुछ कंपनीज उनको पे आउट कर देती है। लेकिन अब इस समय गवर्नमेंट ने क्लियर कह दिया है कि अगर आप एम्प्लॉयर हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना अपने एम्प्लॉय का मेडिकल इंश्योरेंस देना जरूरी है। सो इसमें हमें ये देखना होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है और हम अपने एम्प्लॉयों के लिए ये करके हमें क्या फ़ायदा होगा। देखिए, अपने स्टाफ के लिए ईएसआई दिया हुआ है और जिनको ईएसआई नहीं मिला हुआ है, यानी जिनके पास ये मेडिकल फैसिलिटी में ईएसआई नहीं है, जिनकी सैलरी 21,000 से ऊपर है, हो सकता है उनको ईएसआई अवेलेबल ना हो, तो उनको ये मेडिकल इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एम्प्लॉयर की है कि अपने स्टाफ की सेफ्टी करे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तो आपका काम भी बढ़िया होगा और आपकी लॉयल्टी भी बनी रहेगी एक स्टाफ के प्रति। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस की तरह ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आप कॉर्पोरेट में लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट में मिल जाती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी भी मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें जो एक कॉर्पोरेट लेता है, तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि पॉलिसी डे वन से सारी चीज़ें कवरेज करती है। हाँ, बेसिक इसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कवर करना होता है। देखिए, नॉर्मल पॉलिसीज में क्या होता है कि आपको कुछ बीमारियाँ 2 साल के बाद कवरेज मिलती है, कुछ कंपनी 4 साल के बाद कवरेज देती है, कुछ कंपनीज आपको 3 साल के बाद कवरेज देती है। लेकिन जो कॉर्पोरेट पॉलिसी होता है, जो ग्रुप पॉलिसी होता है, ग्रुप पॉलिसीज में इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ग्रुप पॉलिसी में आपने अपने स्टाफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया अगर, तो उस केस में अगर आप कहते हैं कि मुझे इसका सारी चीज़ें डे वन से कवरेज हो, यानी प्री एग्जिस्टिंग कुछ भी बीमारी हो डे वन से कवरेज हो, जाहिर सी बात है प्रीमियम में थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, लेकिन उसमें उनके मदर, फादर, बच्चे और यहाँ तक कि एम्प्लॉय अपना चारों आदमी को कवर भी कर सकता है और पॉलिसी ले सकता है। लेकिन जब इंडिविजुअल पॉलिसी लेने जाता है, अगर किसी स्टाफ की एज 25 इयर्स है और उसके मदर फादर उसमें ऐड करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, सो मदर फादर को अलग से पॉलिसी देना होता है। और लेकिन अगर ग्रुप पॉलिसी लेता है तो ग्रुप पॉलिसी में आप उसके मदर फादर को भी ऐड कर सकते हैं और उसकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जो पहले से बीमारी चलते आ रही है, वो सारा डे वन से कवरेज हो जाता है। हाँ, उसमें प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है अगर आप प्री एग्जिस्टिंग। इसमें आपको ये देखना है कि जैसे जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाएंगे प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग बढ़ते चला जाएगा। जैसे आप कहें कि मुझे इसका प्री एग्जिस्टिंग यानी जितने भी बीमारियाँ हैं सब डे वन से कवर हो, तो आपका प्रीमियम अलग हो जाएगा। आप कहते हैं कि बीमारी उनका जो कंपनी के दिए हुए कि 2 साल के बाद कवरेज होगा, 4 साल के बाद कवरेज होगा, उसके अकॉर्डिंग चले, तो आपका बेनिफिट, आपका प्रीमियम घट जाएगा। अगर आप चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि मैटरनिटी कवर हो तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, आप चाहते हैं मैटरनिटी कवर ना हो तो प्रीमियम घट जाएगा। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग, यानी कॉर्पोरेट पॉलिसी को ग्रुप पॉलिसी को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करा के, अपने प्रीमियम बजट में उसको डिजाइन करा के अपने स्टाफ के लिए दे सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा रहता है अगर आप अपने स्टाफ के लिए ऐसा ही चीज़ें करते हैं तो। सो ये आपका जो ग्रुप पॉलिसीज है, ग्रुप पॉलिसीज के लिए आपको
IRDA और गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपको ये लॉकडाउन के बाद आपकी ऑफिस खोलेंगे तो ये ग्रुप पॉलिसी के बिना आप अपने ऑफिस को नहीं खोलेंगे, ये आपको शो करना दिखाना जरूरी है तभी आप अपना ये ऑफिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ आप कई चीजें कर सकते हैं, जैसे आपने ग्रुप पॉलिसी में लिया, आपने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे इस ग्रुप पॉलिसी में क्या क्या डिफाइन करना है, फैमिली लेना है, आप उनके केवल स्टाफ को ही देना है या उसके फैमिली को भी ऐड करना है, आप डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग आपने प्रीमियम लिया और उनको पॉलिसी इशू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ और भी चीजें हैं जो आपको करना चाहिए अपने स्टाफ के लिए, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटीज है। अगर आपके पास कोई स्टाफ काम कर रहा है, कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, तो उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका एक पे आउट आपको पे करना पड़ेगा और ये एक लीगल लाइबिलिटीज भी बन जाती है। तो इस लीगल लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए आपको उसका एक पर्सनल एक्सीडेंट भी लेना चाहिए, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बोलते हैं उसको। देखिए, तो यहाँ पर हमने पहला हम बात कर रहे हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस GHI, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट। इनके प्रीमियम बहुत ही कम होते हैं, आप मतलब बिल्कुल मत सोचिए कि हम ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना होगा, बिल्कुल ही नहीं। अगर आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो मुश्किल से 1000 रुपये की आपको पॉलिसी प्रीमियम देना पड़ता है। तो आपको एज अ एम्प्लॉयर आपको अपने स्टाफ के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट तो लेना ही चाहिए, जिससे कि आपके आने वाले समय में आपकी जो लाइबिलिटीज हो हमेशा के लिए खत्म रहे। देखिए, आप 1000 रुपये कमाते हैं या 1 लाख रुपये कमाते हैं और उसमें अगर किसी भी कारणवश अगर आपकी एक लाइबिलिटीज 1 लाख रुपये की आ गई किसी भी एम्प्लॉयर की, किसी भी एम्प्लॉय की, अगर वो रोड पे जाते हुए एक्सीडेंट हो गया और उस समय उसके परिवार वालों ने क्लेम कर दिया, तो हमारे को जो भी एम्प्लॉयर है उसको कम से कम जो क्लेम आएगा उतना तो पे करना पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी पे करे। तो इसलिए ये आपकी लाइबिलिटीज को खत्म करने के लिए जो ग्रुप पॉलिसीज है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, ये ले लेना चाहिए और उसके तरह से आपको इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन भी करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइबिलिटीज कम हो और आपके ऊपर आपके एम्प्लॉय का फेथ भी बना रहे। तो इसमें आपके पास कई सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देती है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है, जैसे आप कहें ICICI है, जैसे आप HDFC है, रिलायंस है, तो सभी कुछ ना कुछ आपको एडिशन देंगे। तो जब भी आप पॉलिसी लें तो आप एक बार प्रीमियम देखें। आज के समय में जो गवर्नमेंट ने जो ये नया रूल लेकर आया कि नहीं आपको लॉकडाउन के बाद तो ये करना ही करना है, तो उसमें आप देखेंगे तो छोटी छोटी कंपनीज भी जो स्पेशल मेडिकल में काम करती है उन्होंने भी देना शुरू कर दिया, जैसे स्टार हेल्थ हो गया, बजाज का हो गया। तो इस टाइप के भी आपके पास पॉलिसीज आने लगे हैं ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए, सो आप वहां से जाकर आप ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में या आपको अपने कंपनी के अकॉर्डिंग डिजाइन करके पॉलिसी चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए या यूट्यूब पे आप कमेंट्स कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसीज में हेल्प करने के लिए। और इसके साथ एज ए एम्प्लॉयर आपके पास 2-3 चीजें, देखिए ये इंश्योरेंस को कभी भी आप सॉफ्ट कॉर्नर में मत रखिएगा, इसको बिल्कुल फिक्स एंड सिक्योर रखिए, क्योंकि ये आपके लिए एक वेल्थ क्रिएटर है। हमें ये लगता है कि नहीं, इंश्योरेंस का पॉलिसी, इंश्योरेंस का पैसा बेकार जाता है, लेकिन नहीं, ये वेल्थ क्रिएटर है, क्योंकि अगर आपने पॉलिसी लिया है और अचानक से आपको 5 लाख का खर्चा आ जाता है तो 5 लाख आपके पॉकेट से नहीं देना है, एक 5 लाख के बदले में जो आपने 5000 रुपये दिए हुए हैं उससे आपका वो 5 लाख रुपये सेफ हो जाता है। सो इस टाइप से आप अपना एक वेल्थ को क्रिएट करते हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस अगर आपके पास है तब आप उसको सेविंग कर पाएंगे, आप अपने दूसरे अपने माइंड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो रोज़ आपके पास ये टेंशन रहेगी अगर आग लग गया तो क्या होगा, अगर कोई एम्प्लॉई की डेथ हो गई तो क्या होगा, अगर बीमारी हो गई तो क्या होगा। तो ये सबसे, इस सब की चिंताओं से, अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं कोई रॉबरी हो गया तो क्या हो गया, अगर आप देखें कोई आतंकी हमला हो गया तो क्या होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास कंपनी ने ग्रुप पॉलिसीज बनाई हुई है, ग्रुप पॉलिसी बनाई हुई है, जिसका आपको अपनी कंपनी के लिए, अपने स्टाफ के लिए जरूर करना चाहिए। और ये पॉलिसी आपकी अपने अकॉर्डिंग से डिजाइन होता है, आप जिस टाइप से डिजाइन कराना चाहें कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना इस लॉकडाउन के बाद, अब अपने जब ऑफिस खोल रहे हैं, तो अपना ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब कंप्लीट करा लीजिए, ताकि आने वाले समय में, आने वाली फ्यूचर से, इस फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन ना हो, हमें अब अपने बिजनेस को और नीचे लॉकडाउन के चक्कर में और नीचे ना ले जाना पड़े। सो ऑल द बेस्ट। आप अभी अपना अगर इंश्योरेंस कराया है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए अगर इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू कराइए, और नहीं, अगर आपने नहीं कराया है तो चाहे आपके पास 5 एम्प्लॉई है, 10 एम्प्लॉई है, 50 एम्प्लॉई है, आप इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। बेशक आपको थोड़ा सा इस समय बर्डन लगता होगा ये पैसा देना, लेकिन ये बर्डन नहीं है, ये आपकी सेफ्टी है और आपके स्टाफ की भी सेफ्टी है। सो स्टार्ट कीजिए एक नए तरीके से, और नए भारत में आप एक सहयोग कीजिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।